बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े व साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एक ही छत के नीचे। किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदा बाबू कॉम्प्लेक्स, दमोह, बाजार से कम कीमत पर उपलब्ध। गद्दे, चादर, पर्दे, डोरमेट, सोफे की गद्दी व कवर, दोहर, कंबल, रजाई मिलने का स्थान अप्सरा एंटरप्राइजेज, बजाजी लाइन, दमोह। बेल्डवर्स न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर। देर रात दमोह जिले के बिलवारी मोहल्ला में डॉक्टर मुख्तार के बाजू में एक व्यक्ति के द्वारा शिवलिंग तोड़ने का मामला सामने आया है, जिसके बाद बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग वहां एकत्रित हो गए। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और कोतवाली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए युवक को गिरफ्तार किया है और कोतवाली पुलिस के द्वारा पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। देर रात तक बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग कोतवाली में एकत्रित रहे। वहीं पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व नगर पुलिस अधीक्षक के द्वारा मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की गई। घटना के संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई व हिंदू संगठन के लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र में शंकर जी की मूर्ति किसी अज्ञात व्यक्ति ने तोड़ दिया था, जिसकी सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली अपने बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और वहां पताराशि किया, पूछताछ किया। तो पूछताछ के दौरान एक शमशेर उर्फ बोनू नाम का व्यक्ति का नाम आया। इसके बाद उसकी तलाश की गई। तलाश के दौरान थाना कोतवाली ने अपने कब्जे पर लेकर उससे पूछताछ किया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और थाना कोतवाली में इस घटना के प्रकरण पंजीबद्ध कर उसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना में आगे क्या साक्ष्य आएंगे, उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, किसी तरह के तनाव की स्थिति में नहीं, कोई सामान्य है। ओके जी भाई, क्या मामला है ये पूरा, उस बात का विरोध? आज अभी हम लोग सिनेमा और हम बांदकपुर से लौट रहे थे। बिलवारी मोहल्ला के यहाँ एक मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर, शिव जी का प्राचीन मंदिर है, वहाँ हम लोग दर्शन करने जाते हैं। तो वहाँ हम लोग पहुंचे तो देखा एक मोनू खान मुसलमान करके लड़का बड़ा पत्थर से शिव जी की पिंडी पर पटक रहा था, तोड़ दी उनने और बाजू में उसने बाथरूम कर दी। पर हम लोगों ने उसको पकड़ा तो उसने धक्का कर दे के भग गया। पर वहां पूछा लोगों से तो उन्होंने बताया कि जी मोनू मुसलमान है। पकड़ लिया? जी पकड़ लिया, अभी पुलिस टीआई साहब ने उसको गिरफ्तार करवा लिया है। कहाँ पे मूर्ति तोड़ी है? जी बिलवारी मोहल्ला में। काहे की मूर्ति? जी भोलेनाथ जी की, प्राचीन मंदिर है वो। जी हम लोग कभी कभी शंकर जी के दर्शन करने जाते हैं बांदकपुर धाम, जागेश्वर धाम, वहां से लौटते हैं तो यहाँ पे अपने धर्मपुरा नाके के आगे मुख्तार डॉक्टर के पास हनुमान जी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो हम लोग हमेशा रुक के दर्शन करते हैं, तो हम लोग फिर से हमेशा की तरह दर्शन करने के लिए रुके, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम सब लोग मोनू बता रहे हैं, उसको फिर बाइक पे हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और वो अक्सर वहां पे गाली गलौच भी करता है, मूत्र विसर्जन भी कई बार करता, पकड़ा गया है। तो उस वो मतलब गाली गलौच कर रहा था और इतना बड़ा, कम से कम इतना बड़ा पत्थर लेके उसने शिवलिंग के ऊपर पटक दिया और उसको हम लोगों ने पकड़ने की कोशिश भी की तो वो छुटक कर भाग गया। मोनू खान नाम है उसका। जी अभी पुलिस वाले पकड़ के लाए, पुलिस ने एफआईआर करवाई है। जी एफआईआर करवाई हम लोगों ने। शराब के नशे में तो कुछ नहीं था, होश में था, फुल होश में था, गालियां दे रहा था, बद्दी बद्दी।